तो दोस्तों मित्रों, एप्लीकेशन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आप देखे होंगे सोशल मीडिया साइट्स पर या दोस्तों व्हाट्सएप पे। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे मित्रों, एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ करें और दोस्तों ये क्यों फेमस हो गया इतने जल्दी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। मित्रों एप्लीकेशन इंडियन डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये दोस्तों कम्प्लीटली इंडियन एप्लीकेशन है जो कि कम्प्लीटली आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा टिकटॉक की जैसा। ये दोस्तों ये भी कहा जा रहा है ये टिकटॉक का कम्प्लीटली कंपटीटर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि टिकटॉक की जैसा सारे फीचर्स एंड इंटरफेस यहाँ पे मिल रहा है और दोस्तों ये इंडियन है। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा इसका इंस्टॉलेशन से लेकर कम्प्लीटली यूसेज तक। इस पर भी दोस्तों आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों आगे वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा जो कि आपको टिकटॉक में देखने को मिल जाएगा लेकिन मित्रों एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप ये जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। मैं सारे डाउट्स इसी वीडियो में आपका क्लियर कर लूंगा। अगर वीडियो के एंड में आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुज कुमार, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीयूटीवी क्रिएशंस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मित्रों, एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करें। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। आप मित्रों एप्लीकेशन को सर्च करके इस तरह से पेज पे आ जाइए, ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ एप्लीकेशन रिलेटेड। आप देख सकते हैं 185,000 रिव्यूज़ के साथ ये 4.7 में अभी अवेलेबल है रेटिंग इसका। अब दोस्तों 5 मिलियन प्लस भी डाउनलोड्स हो चुका है ये एप्लीकेशन का। 8 MB एप्लीकेशन का स्टोरेज है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल में डायरेक्टली प्ले स्टोर से। इसे अभी इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं कैसे आप रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे, या दोस्तों अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है या बिना अकाउंट ओपन किए भी आप इसका सारे फीचर्स वगैरह देख पाएंगे, सारे वीडियोस वगैरह देख पाएंगे। अब दोस्तों इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अभी चल रहा है, अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों के साथ मित्रों इस तरह से शो करेगा अगर आप ओपन करेंगे तो। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कम्प्लीटली आपको टिकटॉक की जैसा ही देखने को मिल जाएगा। आपको पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। आप देख सकते हैं अगर दोस्तों ये डायरेक्टली आप किसी को भी दिखाएंगे वो धोखा में आ सकता है क्योंकि कम्प्लीटली आपको टिकटॉक की जैसा ही लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो दोस्तों कॉपीराइट के कारण मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं दिखा सकता सारे डिटेल्स में, सिर्फ आपको इंटरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ इश्यूज है और कुछ फीचर्स मिसिंग है जो कि टिकटॉक एप्लीकेशन में अवेलेबल है लेकिन आपको मित्रों एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, वो दोस्तों आगे जाके इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ फीचर्स बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों टिकटॉक की तरह इस तरह से आप वीडियो देख पाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आपको लाइक करना है, कमेंट करना है या दोस्तों आपके खुद का वीडियो डालना है आपको लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ लॉग इन का इस तरह से एरर शो कर रहा है। तो दोस्तों मित्रों एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोफाइल पे जाना होता है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल के लिए आप गूगल के मदद से यानी कि जीमेल के मदद से लॉगिन हो सकते हैं। इन फ्यूचर दोस्तों बहुत सारे मे भी अवेलेबल हो जाएगा नंबर वगैरह, फिलहाल दोस्तों आपको सिर्फ इस तरह से फीचर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों जो गूगल का आइकन है अगर आप क्लिक करेंगे आपके सारे जीमेल अकाउंट जो भी रजिस्टर होगा आपके मोबाइल में या दोस्तों अगर नहीं होगा तो आप डाल के आप किसी भी जीमेल से आप लॉगिन हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके एक बार दिखा देता हूं कि कैसे आप कर पाएंगे एक ईमेल आईडी मेरा डाल के। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ईमेल आईडी चूज करते ही ये मेरा लॉगिन हो चुका है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल का सारे डिटेल्स, जैसे कि मेरा ईमेल का नाम माई किंगडम था, इस तरह से दोस्तों डायरेक्टली ले गया है। तो कोई भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्टली जीमेल के मदद से आप रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे लॉगिन के बाद आप देख सकते हैं डीपी वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गया है। आप देख सकते हैं फॉलोइंग, फॉलोअर्स या हार्ट, दोस्तों जैसे कि टिकटॉक की जैसा शो कर रहा था उसी टाइप का आपको इंटरफेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए नीचे टैब दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो अपलोड कर पाएंगे। नीचे वीडियो पर अगर क्लिक करेंगे आपको कुछ एक्सेस मांगा जाएगा, आप पहले एक्सेस दे दीजिए सारे, जैसे कि ऑडियो, फोटो गैलरी वगैरह इस तरह से नॉर्मल अच्छा जाएगा। आपको एक्सेस दे देना है अलाउड पर क्लिक करके, इसके बाद आपको इस तरह से क्लिक करना होता है वीडियो को शूट करने के लिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो को शूट करने के लिए इस तरह से कैमरा ऑन हो जाएगा, आप आपके हिसाब से वीडियो शूट कर सकते हैं या दोस्तों अपलोड पर क्लिक करके आपके गैलरी से
वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों साउंड के बारे में बात करें तो कैसे आप साउंड ऐड कर पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपको म्यूजिक के आइकन के साथ साथ ऐड साउंड का एक लिंक मिल जाएगा, आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेट कर दिया जाएगा सारे साउंड्स पे। ये दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सारे बॉलीवुड्स वगैरह डायलॉग्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पे तो अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों सर्च का बटन नहीं है, यानी कि आपके हिसाब से आप सर्च नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह से यहाँ से ही जो शो कर रहा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये सिर्फ इतना ही शो कर रहा है तो आपको चेंज करना है, तो आप इस तरह से रिफ्रेश कर पाएंगे। अगर दोस्तों रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये रैंडमली चेंज होता जाएगा, अब आपके से जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर पाएंगे। ये दोस्तों सर्च का आइकन होता टिकटॉक की तरह तो ये और भी अच्छा होता इसका इंटरफेस, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए डेवलपमेंट चालू है और दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही अवेलेबल है ये फीचर। ये दोस्तों एक ड्रॉबैक है जो कि टिकटॉक में अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है दोस्तों कमिंग डेज आपको ये फीचर देखने को मिल जाए, आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर पाएंगे आपके हिसाब से सॉन्ग्स या डायलॉग्स। प्ले करना है तो प्ले भी कर सकते हैं, इस तरह से आप प्ले भी कर पाएंगे सिलेक्ट करके। अगर दोस्तों टिक मार्क पर क्लिक करते हैं तो ये भी सॉन्ग है जो आपके वीडियो में ऐड हो जाए। यहाँ पे दोस्तों और एक इशू मुझे देखने को मिला जो कि माई फेवरेट लिस्ट में है। मैं अगर चाहता हूँ कोई भी सॉन्ग या डायलॉग को फेवरेट लिस्ट में डालना है तो मैं नहीं डाल सकता। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं राइट साइड में एक सेव का आइकन है, अगर आप क्लिक करते हैं इस तरह से रिफ्रेश हो जाता है, यानी कि लोड होकर रुक जाता है, लेकिन दोस्तों फेवरेट लिस्ट में ऐड नहीं होता। ये एक दोस्तों मुझे इशू लगा इस एप्लीकेशन में। अब दोस्तों मैं आपको एक सॉन्ग ऐड करके दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों टिक मार्क पर क्लिक कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं ये जो सॉन्ग है ये ऐड हो चुका है। मैं अगर चाहूँ तो इस तरह से शूट कर सकता हूँ मेरे वीडियो का। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में कैमरा का आइकन है, आप क्लिक करके फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फ्लैश कैमरा यूज़ करने के लिए आपको फ्लैश का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली फ्लैश कैमरा भी यूज़ कर पाएंगे। वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों आप टिक मार्क पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक मुझे देखने को मिला जो कि आपको वीडियो शूट करने के बाद अपलोड में बहुत सारे दिक्कत देखने को मिल जाएगा। जैसे कि टिकटॉक में डायरेक्टली आप अपलोड कर पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको इश्यूज देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अपलोड भी कर पाएंगे, कोई भी इश्यूज नहीं है, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत इश्यू आपको अपलोड करते टाइम देखने को मिल जाएगा। और एक दोस्तों ड्रॉबैक ये है कि टिकटॉक में आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारे शूट के बाद आप फिल्टर्स वगैरह यूज कर पाएंगे, एडिट वगैरह कर पाएंगे, ट्रिम वगैरह कर पाएंगे। ये फीचर दोस्तों ये एप्लीकेशन में अवेलेबल अभी तक नहीं है, हो सकता है कमिंग डेज ये फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ट्रिम नहीं कर पाएंगे या स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बाकी सेम सारे आपको टिकटॉक की तरह ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी दोस्तों टिकटॉक की तरह इनबॉक्स का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों डिस्कवर जो सर्च आइकन है यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे सारे आपको हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको टिकटॉक में भी देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो रैंडमली आपको सारे वीडियो स्वाइप अप करके देखना होता है, ठीक है। अगर आप डबल टिक करते हैं तो वीडियो को लाइक भी हो जाता है जैसे कि टिकटॉक में होता है। सारे दोस्तों सेम ही है। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कमेंट कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप शेयर करना चाहते हैं शेयर का भी ऑप्शन है, डायरेक्टली आप शेयर भी कर पाएंगे। अगर आप शेयर पे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह में शेयर कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो को सेव करना चाहते हैं यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सेव कर पाएंगे। अगर दोस्तों लिंक को कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन है लिंक को भी कॉपी कर पाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों बस इतना ही है एप्लीकेशन में। अगर दोस्तों फ्यूचर में आपको और भी फीचर देखने को मिलता है तो मैं आपको वीडियो के जरिए अपडेट दे दूंगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखे बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि दोस्तों अगर मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे पाया हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आप ये एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताया आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएशन यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में दिखे बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन पास कर हर नए वीडियो का। चलिए दोस्तों फिलहाल मैं अनुश रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर। आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बी यू टी वी क्रिएशन।